गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन में हमने कल पढ़ा था कि भाई कितने टाइप के एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में इन शॉर्ट पढ़ा था, तो आज मैं थोड़ा हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में अपन थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर अगर हम देखें तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, सॉरी हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, तो भाई मैंने आपको बताया था द स्पेस कंटेन वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, क्लियर था, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस, जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं वो हमारे क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। वाटर रिसोर्सेस क्या है हमारे, हाइड्रोस्फीयर। कौन कौन से, जैसे ओशियन हो गया, ठीक है, सीज हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, है ना, फिर रिजर्वायर हो गया, फिर ग्लेशियर्स हो गया, ये हमारे क्या है, एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है, हमारे हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, और ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो 70% ऑफ वाटर, 70% ऑफ अर्थ है वो हाइड्रोस्फीयर, यानी वो अपने अर्थ है वो अपने वाटर से इस कवर्ड विथ वाटर, समझ में आया। तो 70% ऑफ वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर, है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड एज अ लैंड सरफेस, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारे अर्थ का, वो हमारे लैंड सरफेस में डोमिनेट करता है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो वाटर बॉडीज में पूरा का पूरा ओशन में जाता है, ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, मतलब ये जो हमारा 70% है उसमें से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें, ये 70% में से, तो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हमारा, तो अप्रोक्सीमेटली सबके साथ, तो 97% ऑफ वाटर है कहां पे है, ओशंस के अंदर एंड सीज के अंदर, समझ में। 2.3% ऑफ वाटर है वो है अपना इन आइस, यानी ग्लेशियर्स वगैरह, आइस कैप्स हो गए, ठीक है, एट पोलर रीजन्स, ठीक है। 0.67% ऑफ वाटर कहां पे हमारा, वो है एस ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के नीचे हमें पाए जाते हैं। और 0.03% वाटर अपन को कहां पे मिलता है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, ठीक है, स्ट्रीम्स। तो सोचो सिर्फ इतना ही पीने लायक पानी अपने पास है, और उसमें से भी अपन कितना पानी वेस्ट करते हैं। तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अर्थ सरफेस इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब, कितने, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है बेटा, 1.4 बिलियन किलोमीटर क्यूब, ठीक है। एंड इफ द अमाउंट ऑफ स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस देन इट विल बी फ्रॉम 2.5 किलोमीटर डीप वाटर मास, और अगर ये जो पानी है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो 2.5 किलोमीटर डीप हमारी जो सरफेस है वो, हमारा जो मास है वो नीचे चले जाएगा, समझ में आया। तो ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर के बारे में, आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी तो हम चार कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वो पहला वो था इसके आज के टॉपिक के हिसाब से। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर मैं यहां पे लिखूंगा। अब लिथोस्फीयर के बारे में मैंने क्या बताया था, तो लिथोस्फीयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, समझ में, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, और अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं द स्पेस कंटेन रॉक एंड लैंड इज
known as लिथोस्फियर, करेक्ट ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये किससे बनता है, तो हमको इसके अंदर क्या मिलेगा, सॉइल है, मिनरल्स है, ठीक है, फिर रॉक्स हैं और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल है, अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के मिलते हैं ना मटेरियल अपन को, मैटर यहां से, मटेरियल नहीं मैटर यहां से मिलेंगे, ठीक है। अब रॉक क्या है, कौन सी क्वालिटी को सब्जेक्ट करता है, तो तीन क्वांटिटी को और तीन क्वालिटी को वो सब्जेक्ट करता है, एक तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदर को वो सब्जेक्ट करता है, मतलब उन तीनों पे ये डिपेंड है, ठीक है। प्लांट का ग्रो होना, डिकेड होना, वो सब सॉइल कवर के ऊपर हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो हमारा सॉइल है उसके जो मेजर जो हमारा सॉइल है वो मेजर कंपोनेंट है किसका, लिथोस्फीयर का, ठीक है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट क्या है अपना, सॉइल, ठीक है। मेन कंपोनेंट इसका क्या है, हमारा सॉइल है, ठीक है। मेन कंपोनेंट इसका हमारा सॉइल है, ठीक है। और ये जो बायोमास वगैरह ये सब उत्पन्न होता है हम किस पे, लिथोस्फीयर पे ही उसको हम क्या बोलते हैं, बनाते हैं, मतलब सॉइल एक बहुत बड़ा सॉइल का किंगडम आप बोल सकते हैं प्लांट का जो लिथोस्फीयर पे अपना पाया जाता है, समझ में आया, ठीक है। अब जो थिकनेस है लिथोस्फीयर की, तो थिकनेस अगर आप देखेंगे, थिकनेस की जो रेंज है वो कितनी है, 64 to 96 किलोमीटर, समझ में आया। थिकनेस की रेंज है किसकी, हमारे जो सॉइल कवर है अर्थ के ऊपर वो 64 to 96 किलोमीटर डीप है, ठीक है। और जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर है वो किससे है रीच है, जो वो सिलिका से रीच है, समझ में आया। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज रिच इन सिलिका, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और इसको अपन कौन सी लेयर भी बोलते हैं, इसको अपन SiAl लेयर भी से भी जानते हैं, समझ में। सिलिका और एल्यूमिनियम की लेयर से हमारा जो ये लिथोस्फीयर है वो रिच है, समझ में। अब लिथोस्फीयर के अंदर तीन तरीके के रॉक हमको प्राप्त होते हैं, समझ में। मैं आपको बता देता हूं कौन से तीन तरीके के रॉक। अब लिथोस्फीयर के अंदर जो रॉक कंटेन करते हैं वो कितने प्रकार के रॉक हैं, तीन प्रकार के रॉक। सबसे पहले इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंटरी रॉक, और इसका अगर आप थर्ड फाड़ देखेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक, क्लियर है। तीन प्रकार के रॉक मिलेंगे अपन को, कौन कौन से, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सॉरी सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो है इग्निशियस रॉक वो कौन से रॉक है, ये जो होते हैं लावा से निकलते हैं, ठीक है, ये जो कहां से निकलते हैं, लावा से निकलते हैं और कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, कूलिंग हॉट लावा एंड मैग्मा। कौन से प्रकार के लॉग मिलते हैं, तो अपन बोल सकते हैं ग्रेनाइट, फिर होता है बसाल्ट, बहुत महंगे महंगे रॉक से जो ये हमको इग्निशियस रॉक के तौर पे मिलते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेडिमेंटरी रॉक, तो सेडिमेंटरी रॉक को देखा जाए तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डिसइंटीग्रेशन बाय फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब आपने इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपने हिमालय से पानी गिरते हुए देखा होगा, तो जो हिमालय के से पानी गिरता है तो बहुत सारे टट से पानी
जो तट होते हैं वहां से पानी निकलता है, और वहां से क्या होता है कि जैसे वो पानी का फोर्स होता है ना, तो वो जो पानी का फोर्स है वो रॉक्स पे गिरता है पानी, तो रॉक को डिसइंटीग्रेट यानी तोड़ता है, और थोड़े थोड़े हिस्सों में जो पानी है वो जो रॉक को लेते हुए रिवर के किनारे पे रख देता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेट कर रहा है रॉक को, और कहाँ पर डिपोजिट कर रहा है, रिवर के किनारे पे, समझ में आए। तो वो जो डिकम्पोजिशन हुआ उसको हम जो वहां से रॉक प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। जैसे कि कौन कौन से रॉक मिलेंगे वहां से, तो हमारा लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, सैंड स्टोन हो गया, फिर शेल हो गया, ठीक है, ये सारे रॉक अपन को सेडिमेंटरी रॉक से मिलते हैं। अब जो मेटामॉर्फिंग रॉक होते हैं वो कौन से रॉक होते हैं, तो चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एक्जिस्टिंग रॉक बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एक्जिस्टिंग रॉक बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका मैं एग्जाम्पल दूं तो समझो कि ये यहाँ पे अगर ये दिख रहा हो तो, हाँ ये यहाँ पे मैंने एक सैंड की लेयर बना दी, ठीक है, फिर सॉइल इरोज होके कहीं ना कहीं से सॉइल इरोज होके उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर इसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, ठीक है। अब ये टेम्परेचर के अभाव से, ठीक है, इसके टेम्परेचर के अभाव से इसके अंदर श्रिंकेज भी होगा और प्रेशर भी जनरेट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक दिन बहुत सालों बाद ये बन जाएगा, रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेटामॉर्फिक रॉक का कभी भी आपको जानना हो कि कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है और कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, तो आप रॉक को तोड़ोगे ना तो आपको क्लियर क्लियर अलग अलग सॉइल की लेयर उसके ऊपर दिखाई देगी, समझ में आए। तो ऐसे रॉक को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। कौन कौन से रॉक हैं जो अपन को मेटामॉर्फिक रॉक में अपन बोल सकते हैं, एक तो हो गया मार्बल्स, ठीक है, फिर हो गया क्वार्टर क्वार्टरजाइट, फिर हो गया अपना गिनेसी एंड सेचिस्ट, ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है जो मेरे को बोलने में भी नहीं आ रहे, ठीक है। और हमारा जो लास्ट है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कुछ समझाने जैसा है नहीं, सिंपल सा थियरी है, द स्पेस कंटेन लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है, जो कि सारे के सारे पोर्शन जो बायोस्फीयर है जो कनेक्ट करता है, ठीक है, हमारे जो इंटर कनेक्टेड है सारे के सारे हमारे स्पीयर से, दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेस कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोस्फीयर, क्लियर, ठीक है। तो स्पेस क्या कंटेन कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटेन कर रहा है, वो स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के संग इंटरेक्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बायोस्फीयर का एक कंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है बायोस्फीयर का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। बायोस्फीयर के अंदर सब आ जाता है, सॉइल आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग विथ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सॉइल क्या बोलते हैं, अर्थ हो गया, फंगल हो गया, फंगल का डेवलपमेंट हो गया, हर्ब का प्लांट का प्लांटेशन हो गया, वो सब के सब बायोस्फीयर में, यानी जहां पे भी लाइफ का उत्पन्न हो रहा है, ग्रीन प्लांट का किससे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन लेना, वो सब बायोस्फीयर के अंदर आ गया, समझ में आया। तो ये जो तीन कंपोनेंट थे हमारे इसके एनवायरमेंट के, वो ये इसमें आज खत्म होते हैं, ठीक है। एक एक क्विक चार्ट बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एनवायरमेंट का, उसके अंदर सबका सब चीज कवर हो जाएगा और आपको ईजी भी पड़ेगा। चार्ट से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, वो जो टॉपिक का नाम है वो है इंटरेक्शन बिटवीन अमंग्स द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, मेरे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो मैं जो बता रहा हूँ वो करोगे या तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इंटरेक्शन एमोंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट,
क्लियर। मैं 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब जब भी ये क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले 3 सर्कल बना देना है, सॉरी 4 सर्कल बना देना है। सबके अंदर अपने अपने कंपोनेंट्स लिखते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि सारे सारे के कंपोनेंट एक दूसरे के संग रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ क्या करना है भाई, एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा, बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर के संग इंटरेक्शन करेगा, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा, हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। लिथोस्फीयर किसके संग इंटरेक्शन करेगा, एटमॉस्फेयर के संग इंटरेक्शन करेगा, और एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा, क्लियर है। एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा, हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन करेगा, लिथोस्फीयर क्या करेगा, बायोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा, बायोस्फीयर लिथोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा, बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर से इंटरेक्शन करेगा, और हाइड्रोस्फीयर बायोस्फीयर के संग इंटरेक्शन करेगा। ना कि ये लोग एक दूसरे के संग इंटरेक्शन कर पाएंगे, ये खुद भी अपने साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब जाके जो हमारा इंटरेक्शन है वो पूरा होगा। अब ये इंटरेक्शन कैसे, जैसे कि यहाँ पे इंसान है, बायोस्फीयर में इंसान रहते हैं, उनको पानी हवा और धरती के बगैर चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और अगर इंसान ही नहीं होंगे तो इन तीनों का क्या काम, ठीक है, इन तीनों को यूज कौन करेगा। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट को एनवायरमेंट के अंदर माना जाता है, ठीक है। इसके साथ आपको एक चार्ट बनाना है, जो चार्ट मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे आपको क्या लिखना है, एनवायरमेंट लिखना है, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर दो कंपोनेंट डिवाइड कर देने के, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट में जैसे क्या आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, ठीक है, लिथोस्फीयर आ गया, हाइड्रोस्फीयर आ गया, और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर सिर्फ क्या आएगा, बायोस्फीयर। समझ रहे होंगे आप, क्यों, क्योंकि ये सब निर्जीव है, इसलिए अबायोटिक के अंदर आया, सिर्फ यही है जो लाइफ कंटेन करता है, इसलिए ये बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आया। सॉरी आपको ये दिखा नहीं होगा अच्छी तरीके से, इसलिए सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आया, ठीक है। इसका मैं आपको एक फटाफट एक टेबल बना के देता हूं, टेबल के अंदर आप सब समझ जाएंगे। तो हाँ, अगर इस तरीके से अगर आपको आए क्या बोलते हैं क्वेश्चन की इंटरेक्शन अमंग बिटवीन द कंपोनेंट्स लिखना है आपको, तो सबसे पहले इस तरीके का चार्ट बनाएंगे आप, ठीक है, एनवायरमेंट का, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एनवायरमेंट का चार्ट बनाने के बाद आप इस तरीके से इंटरेक्शन का चार्ट बनाएंगे, इंटरेक्शन का चार्ट बनाने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन, बायोस्फीयर की डेफिनेशन और लिथोस्फीयर की डेफिनेशन। ये सारी चीज मैं आपको आगे बता चुका हूं, नहीं देखी तो आप देखिए, और इसके अंदर उसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिखेंगे और ये डायग्राम बना के आएंगे, आपको गारंटी 7 मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो पैसा वापस, ठीक है। चलिए अब क्विक रिवीजन हो जाएगा ये चार्ट के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा, एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट कौन कौन से, अबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। अबायोटिक के अंदर क्या आता है भाई, अबायोटिक के अंदर आता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के अंदर क्या पड़ा भाई, इग्निशियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। फिर
हाइड्रोस्फीयर के अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, दो तरीके के वाटर, कौन कौन से, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। फिर सरफेस वाटर के अंदर कौन कौन से वाटर आते हैं, सरफेस वाटर के अंदर दो तरीके के और वाटर, सबसे पहले सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर, क्लियर है। फिर सलाइन वाटर यानी मिनरल्स मिले हुए होते हैं पानी के अंदर वो, और फिर लास्ट में आता है हमारा एटमोस्फियर। एटमोस्फियर तो माशाल्लाह इसके अंदर कितने चार, इसके स्ट्रक्चर में कितने कंपोनेंट्स थे, तो पहले तो चार मेन कंपोनेंट्स थे, वैसे तो पांच थे पर चार है, कौन कौन से, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के अंदर भी दो स्फीयर थे, कौन कौन से, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, क्लियर। इस तरीके के कंपोनेंट थे। बायोटिक के अंदर सिर्फ एक ही आता है, कौन सा, बायोस्फियर। इसके अंदर दो किंगडम, कौन से किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब आप पूछेंगे कि हमारे क्या बोलते हैं, सॉरी वापस से मैं नीचे लेना भूल गया, इसका पूरा का पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर है, अगर आप पूछेंगे कि आपने ह्यूमन किंगडम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम एनिमल्स हैं, समझ में आया, ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, हम एनिमल्स के अंदर ही आते हैं और काम भी हम जानवरों जैसा करते हैं, ठीक है, इसलिए हम एनिमल्स हैं। और यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का ही आगे का चैप्टर नहीं, इसके अंदर ही आगे के जो टॉपिक्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, उनकी फंक्शंस के बारे में थोड़ा जानेंगे कि भाई क्या फंक्शंस और क्या रोल अदा करते हैं। और शायद ये जीटीयू में तीन से चार बार पूछ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, और अच्छा टॉपिक है, तो इसके बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए देखने के लिए आज का ये लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछिए, पर्सनली पूछिए या ग्रुप में पूछिए, और पढ़िए, पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है, चलिए बाय।